आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं, अगर हम पैनकेक स्वैप के B2 पूल में लिक्विडिटी ऐड करते हैं तो उसका कुछ हमें बेनिफिट मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो कितना। तो आइए चलते हैं फिनटच वॉलेट पे, और इसके लिए सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना होगा स्वैप ट्रेडिंग ऑप्शन। स्वैप ट्रेडिंग ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमको सेलेक्ट करना होगा लिक्विडिटी ऑप्शन। लिक्विडिटी ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हमने जो भी पैनकेक स्वैप पे लिक्विडिटी पूल में लिक्विडिटी ऐड की है फिर वो ओपन हो जाएगी। जैसे मैंने अभी ये B2 पूल में जो लिक्विडिटी ऐड कर रखी है ये उसकी डिटेल्स हो रही है। आप भी यहाँ B2 पूल लिक्विडिटी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सारी डिटेल्स होने लगेगी। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो डिटेल शो होने लगी। जैसे मैंने अभी इसमें लिक्विडिटी पूल में लिक्विडिटी ऐड की है, अगर उसका देखें तो मैंने 0.1 FTC इस लिक्विडिटी पूल में ऐड किया था, और उसके मार्केट के रेट के अकॉर्डिंग जो भी 33 USDT बन रहे थे और 0.1 FTC को लिक्विडिटी पूल में ऐड किया था, तो उसका अगर बेनिफिट देखा जाए मुझे क्या मिलेगा। तो इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं LP रिवार्ड APR 44.07%, लिक्विडिटी पूल रिवार्ड APR एनुअल परसेंटेज रिटर्न 44.07, यानी कि लिक्विडिटी पूल रिवार्ड ये साल आना मुझे 44.7 लगभग में 45% सालाना रिटर्न मिलेगा मुझे यहाँ से, अगर मैं पैनकेक स्वैप के B2 लिक्विडिटी पूल में FTC और USDT के पेयरिंग में लिक्विडिटी ऐड करता हूँ तो मुझे उसका सालाना लगभग 45% रिटर्न मिलेगा। ऐसे ही आप भी अपना फिनटच वॉलेट ओपन करें। फिनटच वॉलेट ओपन करने के बाद स्वैप ट्रेडिंग पे जाएं। स्वैप ट्रेडिंग पे जाने के बाद पैनकेक स्वैप पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। रिडायरेक्ट होने के बाद ये जो लिक्विडिटी वाला ऑप्शन है वहाँ पर सेलेक्ट करना। वहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपने जो भी लिक्विडिटी ऐड कर रखी होगी वहाँ पर शो होने लगेगी। जैसे ही आप अपनी जो लिक्विडिटी ऐड कर रखी है उस पर क्लिक करोगे तो उस पर क्लिक करने के बाद आपकी भी ये डिटेल शो होने लगेगी कि आपने कितना लिक्विडिटी पूल में लिक्विडिटी ऐड की है और उसका सालाना कितना रिटर्न मिलेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मुझे यहाँ पर लिक्विडिटी पूल रिवार्ड APR एनुअल परसेंटेज रिटर्न सालाना लगभग 45% रिटर्न मिलेगा। अब अगर मैं यहाँ पर लिक्विडिटी को और ऐड करना चाहता हूँ तो ये जो ऊपर ऐड वाला बटन है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये सारे ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मुझे जितना भी FTC का वैल्यू फिल करना है FTC का वैल्यू फिल कर देना है। FTC का वैल्यू फिल करने के बाद USDT उसके अकॉर्डिंग जितना भी लगेगा वो उठा लेगा, और यहाँ पर मैं लिक्विडिटी इसी तरीके से और ऐड कर सकता हूँ। अब अगर मुझे लिक्विडिटी को रिमूव करना होगा तो मैं कैसे करूँगा, तो सीधा सिंपल है। ऐड लिक्विडिटी ऑप्शन के नीचे रिमूव वाला ऑप्शन है, रिमूव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये रिमूव FTC USDT लिक्विडिटी ये सारा शो होने लगेगा। उसके बाद मुझे ये जो मैक्स वाला बटन है यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये 100% आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाना है। तो अब यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि मैं लिक्विडिटी पूल को जब रिमूव करूँगा तो मुझे कितना और क्या क्या मिलेगा। तो जैसा कि आप भी देख सकते हैं मुझे यहाँ पर 0.092% यानी 50% FTC एंड उसके इक्विवेलेंट 37.42 USDT 50% मिलेगा।
उसके बाद मुझे ये जो इनेबल वाला बटन शो हो रहा है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये जो रिमूव वाला बटन है ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मेरी लिक्विडिटी, यहाँ पर लिक्विडिटी रिमूव हो जाएगी। ओके, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लिक्विडिटी रिवार्ड 44.23% APR यानी कि एनुअल परसेंटेज रिटर्न लगभग 45%। तो ऐसे आप भी लिक्विडिटी पूल में आपको क्या रिवार्ड मिलने वाला है इसको यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप चेक कर सकते हैं।